मेटाडोर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में लेकर आया हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीती रात को सैले तालाब के पास एक घटना घटी है। एक मेटाडोर की चपेट में आने से एक 70 साल व्यक्ति की मौत हो गई। दुकान बंद करके ये वापस घर लौट रहे थे कि सैले तालाब के पास ये पैदल चल रहे थे और पीछे से गाड़ी आती है और गाड़ी की चपेट में आने से इनकी मौत हो जाती है। इनकी पहचान हरदीप सिंह और ये वार्ड नंबर 21 दंदयाल सीओ कार्यालय के साथ रहते हैं ये। और ये काम, अगर मैं आपको बता दूं कि लंबी गली में ये सन्यारे का काम करते हैं और दुकान बंद करने के बाद ये वापस घर लौट रहे थे कि साले तालाब के पास जब ये पहुँचे तो एक गाड़ी की चपेट में आने से इन्हें ये घायल हो गए। इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने के बाद ये कहा गया कि ये इनकी मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए इन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शवगृह में रखा गया है और पोस्टमार्टम अभी होने वाला है और इसके बाद इन्हें, इनके शव को इनके घर वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन मैं फिर यह बता दूँ कि हरदीप सिंह की उम्र 70 साल और ये यहीं के रहने वाले थे। इनका अपना मकान दंदयाल वार्ड नंबर 21 और सीओ कार्यालय के साथ इनका मकान बना हुआ था और ये सन्यारे का काम करते थे लंबी गली में। दुकान बंद करने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि ये हादसा पेश आया जिसमें हरदीप सिंह, इनकी जान चली गई इस हादसे में, और पोस्टमार्टम करने के बाद इनके परिवार वालों को इनका शव सौंपा जाएगा। लेकिन मैं फिर ये बता दूँ कि हरदीप सिंह की उम्र 70 साल बताई जा रही है, इनके 3 बेटे भी हैं और ये काफ़ी समय से ये उधमपुर में रहते हैं और ये काम, सन्यारे का ये काम करते हैं। पहले ये गोल मार्केट में काम करते थे और उसके बाद ये अब ये लंबी गली में ये काम कर रहे थे और वहीं से ये दुकान बंद करने के बाद जब घर वापस लौट रहे थे तो सैले तालाब के बाद ये हादसा पेश आया और मेटाडोर की चपेट में आने से ये घायल हो गए। इन्हें हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित किया गया। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।